आप सबको स्वागत है। परमपिता परमात्मा में आज समझा रहे हैं कि कोई भी चीज में अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें हंस आसन पर बैठ करके उस कार्य को करना चाहिए। अब ये हंस आसन क्या है? सरस्वती जी को दिखाया जाता है हंस पर बैठी हुई है, मतलब कि वो है विद्या की देवी। लेकिन विद्या नहीं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, सिर्फ विजडम की देवी, मतलब कि उनके पास में विवेक है किसी भी सिचुएशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज परमात्मा आज हमें सिखाते हैं कि हंस आसन पर बैठ, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेषात्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। क्या करना है? परमात्मा कहते हैं जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, मतलब कि उनकी प्योरिटी डिविनिटी की वजह से वो दूर तक देख पाते हैं कि मैं अगर ये निर्णय लूंगा तो क्या होगा, ऐसे सोचूंगा तो क्या होगा। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी, उनके थॉट्स, उनके बोल और उनके कर्म वो सारे विशेष होंगे, साधारण नहीं होंगे। वो जहां भी जाएंगे औरों को मदद करते हुए आएंगे और उनका भला सोच करके आएंगे। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। अगर आप कोई फिजिकल कार्य भी करते हैं और आपकी अगर डिविनिटी है, प्योरिटी है, तो आपके ऑटोमेटिक जो थॉट्स होंगे, आपके संकल्प होंगे, आपके जो कर्म होंगे, आपके जो बोल होंगे, उससे औरों को भी दिशा मिलती रहेगी और आत्माएं भी सही दिशा में चलती रहेंगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। कोई भी कार्य करना है तो हंस आसन पर, मतलब कि इस समय कोई सिचुएशन आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला या कोई परिस्थिति आ रही, तो उस समय मुझे अपने आप को प्योर थॉट्स में परिवर्तन कर देना है। और ये प्योर थॉट्स हैं कि नहीं आपके, या वेयर थॉट्स हैं, यूजलेस थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इम्प्योर थॉट्स हैं, वो कैसे पता चलेगा? जब तक आप मेडिटेशन में नहीं बैठेंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो कभी कभी हमें रुक करके थोड़ी देर अपना देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में मेरे, बाहर तो हमें दिख रहा है खाना पीना है, उठना बैठना है, जाना है, देखना है काम, लेकिन बैकग्राउंड में मेरे क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसे चल रहे हैं? उसको आप सिर्फ मेडिटेशन में कर सकते हो। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको बैठ करके ऐसे आसन लगाना है। आप एक मिनट भी अपने आप को शांत कर दें, सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर दें कि बस मेरे को काम पर ध्यान नहीं देना, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, फोन कॉल पर ध्यान नहीं देना, टीवी पर ध्यान नहीं देना, मुझे एक मिनट अपने साथ में बैठना है और मुझे देखना है कि मेरे मन के बैकग्राउंड में चल रहा क्या है, मेरे तीसरे नेत्र में चल क्या रहा है। और ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी। इसमें आप आइए और इस विद्या को लीजिए, पवित्र विद्या, सरस्वती विद्या। ओम शांति इसके साथ।